तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस बार मैं बता दूं कि जितने लोग भी आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार उनका सिलेक्शन, मतलब कि जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं और सिलेक्शन होगा भी। ठीक है, जैसे कि अभी आपका नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था कि अगले डेढ़ ईयर में, है ना, मतलब आने वाले डेढ़ सालों में आपका 10 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपको पता है कि रेलवे में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है, मतलब कि अभी आनी बाकी है, मतलब आई नहीं है, जिनको आ जानी चाहिए थी, जैसे JEE हो गया, LP हो गया, है ना, इस सबकी वैकेंसी एक ही बार हुई है, अभी तक आई नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो समझो उनका ये चुनावी जुमला है या जो भी है, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी आएंगी, लेकिन आने से पहले जो आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है, इसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो, तो वो पहले ख़त्म होगी तभी तो इससे ज़्यादातर बहुत मतलब कि आपका चांसेस है कि जैसे ही आपका NTPC का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसका आंसर किया जाएगा, रिजल्ट आने के जस्ट बाद आपके, है ना, आपके क्या बोलते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप जुलाई या अगस्त, है ना, जुलाई नहीं तो अगस्त में वो बहुत ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, अगर जुलाई में हो गया तो आपके लिए तो बहुत ही कम समय है, और अगस्त में हो गया तो और भी कम समय, मतलब और थोड़ा सा आपको समय मिलेगा, तो आपको वो नहीं सोचना है, है ना। तो आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा था, और बहुत सारे, और इसमें मेन मेरा मुद्दा है कि जैसे बहुत सारे लोगों को तो तैयारी बहुत ही अच्छी होगा, पीक पे होगा, है ना, 60-70 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, ना 80 प्लस भी स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर अभी भी नहीं रीच कर पा रहा, चाहे वो किसी रीज़न से नहीं पढ़ पा रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, घर में उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उनको एक थोड़ा समस्या रहता है कि मेरा मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो उनके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, आप एकदम हार्ड वर्क करें और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप थोड़ा सा पढ़ाई करें। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट है कि मेरा मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा, 45 से 55 नहीं बढ़ा। देखिए, समय होता है, नहीं बढ़ता है, तो आपको मेन क्या करना है ना, आपको मेनली आपकी दो चीज़ों पर अभी से फोकस करना स्टार्ट करते हो ना, मैथ और रीजनिंग के डेली 50-50 क्वेश्चंस आप लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, मैथ और रीजनिंग एक बेस होता है, पूरे ओवरऑल एग्जाम का बोले तो बेस यही है कि आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें पक्के नंबर आपको मिलते हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो कुल मिला करके आपका ग्रुप डी का बात करें तो 50 मार्क्स तो अकेले खुद होते हैं, जब ये 55 मार्क्स टोटल, जब इसमें अगर 45-50 स्कोर करते तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें ही जब आप अच्छा स्कोर करोगे तो बाकी सब सब्जेक्ट में करोगे तो आपके 60 प्लस हो जाएंगे आराम से, मतलब मिनिमम बता रहा हूं 60 प्लस, उससे एवब मोर देन जा सकता है। और इस बार पिछले बार की वैकेंसी की तुलना में बहुत ही फ़ायदा है, मतलब इसमें क्यों फ़ायदा है कि जैसे आप लोग जान रहे हो पिछले बार की वैकेंसी आपकी थी 1 लाख से भी कम थी और कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, इसमें क्या है 1 लाख वैकेंसी और आपका कैंडिडेट भी कम है, तो इसमें ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। और पिछले के कंपेयर में कटअप थोड़ा सा, मतलब जो भी हो, मतलब कि अच्छा खासा रहेगा, मतलब उतना भी हम मुझे लगता है कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपके ये वाले एग्ज़ाम है, मतलब कि पिछले के कंपेयर में बात करें तो ये बेटर रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, टेस्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंक की हो, किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बहुत ही अच्छी डील ऑफ द मंथ टेस्ट बुक लाया है, जिसमें आपको 540 प्लस एग्जाम्स के 41,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको टेस्ट बुक लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास अवेलेबल करवाया है। ठीक है, जो कि लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास का दाम आपका 599 रुपीज़ है। तो अगर आप हमारे कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 549 रुपीज़ पड़ेगा और इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स रहती है। अगर इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो आपको टेस्ट बुक पास मात्र 180 रुपीज़ पर ईयर पड़ता है, जो कि आपको पहले देने पड़ते थे 349। तो अगर आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास आप यूज़ करते हो तो आपको पर ईयर 180 रुपीज़ का पड़ेगा, 549 का लाइफ टाइम पास लेते हो तो, और इसमें आपको वैलिडिटी 3 साल का रहेगा। इसीलिए अभी जिनका भी आ रहा है मार्क्स 40-45 के अराउंड आ रहा है, तो एकदम चिंता ना करें, अपना मैथ और रीजनिंग शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के ऊपर एकदम कमांड करें, डेली मिसलेनियस क्वेश्चन बना, मिसलेनियस क्वेश्चन बना से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके जब टेस्ट दोगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा, आप क्वेश्चंस को जज कर पाओगे, कितने क्वेश्चंस को टाइम देना है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको एकदम करने ही करने हैं। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम टाइम पे ही हो जाने वाला है। और जैसा कि आपको बता दो कि हमने टेलीग्राम में अपना जो इंपॉर्टेंट पर्सनल नोट्स होता है उसको बायोलॉजी के सेक्शन का डाला, तो बायोलॉजी का सेक्शन का डालने का रीज़न है कि बायोलॉजी में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, 8-9 मार्क्स के आपके साइंस आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और वो मैंने अपने पर्सनल नोट दिया। ऐसे तो पर्सनल नोट्स कोई किसी को नहीं देता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं,
ज़रूरत है, चलो तो दूंगा। और मैं बता दूं, वो नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेड कोर्स का PDF भी खरीदोगे तो उससे लाख गुना आपको नोट्स ये अच्छा लगे। क्यों? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि अगर आप वो मैंने खुद किया है उस नोट्स को आप पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद एक कंपटीशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर कहीं से भी किसी भी बुक को उस टॉपिक के आपको लगाओ, तो आपके लगभग 90% क्वेश्चन आपके लगभग बनेंगे ही बनेंगे और उस नोट्स से आएंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं उस नोट्स को बहुत दिल से बनाया, उस शिद्दत से बनाया। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि इस नोट्स डालने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा, पता है? अरे, आपको फ़ायदा नहीं है, है ना? क्यों लोग ऐसा बोलते हैं, है ना? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी तो सभी लोग नोट्स बना के बैठ गए। अरे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाता नोट्स बनाने के लिए। मेरा नोट्स सिर्फ उनके लिए डेडिकेट रहता था, ज़रूरतमंदों के लिए। अगर आपके पास हो तो आप डाउनलोड मत करो, कौन बोला आपको डाउनलोड करने के लिए? और मैं बता दूं, जैसे ही अपना PDF मैंने नोट्स डाला टेलीग्राम पे, तो 400-500 लोग और एक्स्ट्रा जुड़ गए, है ना? और जिनको ज़रूरत है वो जा करके हमारे टेलीग्राम में दिया हुआ है। अगर देखिए, आपको टेलीग्राम पे लिंक हमारा नहीं खुलता है तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं और CM क्लासेस धनबाद के नाम से वहाँ पर आप लोग सर्च करें और आ जाएगा, ऐसे आराम से ज्वाइन हो जाता, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, है ना? तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको ग्रुप डी एकदम जी जान लगा देना है, किसी तरह का एकदम टेंशन नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना, बस अब जैसे मेहनत करें, अब थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर दो, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम है। क्योंकि अगर ये वैकेंसी चली गई ना दोस्तों, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा वैकेंसी, क्यों बोल रहा हूँ ना, वैकेंसी तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे वैकेंसी, लेकिन ये ऐसा वैकेंसी ना, नंबर ऑफ वैकेंसी में बहुत ज़्यादा ही चांसेस बनते हैं, तो बस थोड़ा सा तो मेहनत करने कुछ समय के बाद, फिर उसके बाद तो आराम से, टेंशन नहीं है, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।